जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने टेक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों के लिए 5 एडिटिंग ऐप लेकर आया हूँ जो कि आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको इन्हें यूज़ करने में मज़ा भी आएगा। जी दोस्तों, जो लोग एडिटिंग में जो है वो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एडिटिंग करते हैं, मैं आज मैं 5 ऐप आपके लिए निकाल कर आया हूँ जो कि बेस्ट ऐप है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा साइज में बड़े नहीं है। किसी आपको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई पीसी नहीं चाहिए, उनको रन करने के लिए सिर्फ आपको एक मोबाइल चाहिए और वो भी 2 GB वाला मोबाइल भी, रैम वाला मोबाइल भी आपके लिए चलेगा। कोई आपको बड़ा सेटअप नहीं चाहिए कि आपको एडिटिंग करनी है, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, सिर्फ आपको एक मोबाइल चाहिए, वो भी एक नॉर्मल मोबाइल होना चाहिए जो कि 2 GB रैम के साथ भी जो वो जो ऐप्स हैं वो रन करेंगे। जी दोस्तों, तो आज मैं आपको वो 5वें ऐप के फीचर्स दिखाऊंगा, आपको 5वें ऐप के नाम बताऊंगा, तो वो साइज में भी काफ़ी छोटे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो डाटा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जी दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जो सबसे पहले जो ऐप है वो है VN ऐप। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये अभी लॉन्च हो रहा है, तो जो है लॉन्च हो चुका है। तो अगर मैं आपको इसकी जो है बताऊँ पहले फीचर्स के बारे में, तो ये होम है, इसके बाद जो ये मेम्बरशिप रही, मेम्बरशिप अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन है, इसमें आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो यूज़र है ये पोस्ट करते रहते हैं अपनी जो चीज़ें बना के, टेम्पलेट्स कोई बनाता है या कोई भी प्रोजेक्ट जो वो जो मेक करते हैं वो बना के, तो इस पर अपलोड करते हैं। और अगर मी पे आ जाएँ तो ये साइन अप का ऑप्शन दे रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो आपके लिए ऐड की है, तो आप ये क्लिप देख सकते हैं, इसकी मैं जो है वो आईडी जो है बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, आप टेम्पलेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की देख सकते हैं आप, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक वीडियो है, और भी जो है फूड है, डिजिटल फ्रेम्स हैं, मार्केटिंग वीडियो है, तो आप इसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये एक सैम्पल वीडियो है, आपने इस पर नहीं जाना, आप कोई भी वीडियो जो है वो ऐड कर सकते हैं। और फिर आगे ये म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, और जो है वो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, तो फिल्टर्स हैं, इसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं आप, किसी भी किस्म का ये जो है फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, ये आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर जो है वो आप इसमें फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, स्पीड ऐड कर सकते हैं जो आप वीडियो की स्पीड रखनी चाहें। और एक और जो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आप जिस जगह से चाहें आप इसे स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड डाउन कर सकते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा जो फीचर है इस ऐप का है। तो इसके बाद अगर आप आ जाए तो स्पीड, अगर आप वीडियो कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, और अगर इसके बाद आप आ जाए डिलीट है, एक्सट्रैक्ट आइडियो है, एफएक्स है, वॉल्यूम है, बीजी, जो दोस्त वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो दोस्त कर नहीं करते तो भी वो करना चाहते हैं तो मैं उनके आपके लिए बता रहा हूँ इन चीज़ों को। तो ये बीजी है, बॉर्डर है, फिल है, क्राप आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मिरर है, फ्लिप है, फ्रीज कर सकते हैं, किसी पिक्चर को रिवर्स कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, फर्म कर सकते हैं, और ये चीज़ें इसकी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज़ करके बहुत ही अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये ऊपर देख सकते हैं, इसमें आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब ओरिजिनल, इंस्टाग्राम स्टोरी है, टिकटॉक है, और वैसे जो भी जैसा फ्रेम चाहे इसमें हर किस्म का जो फ्रेम है वो मौजूद है। तो फिर आगे इसकी बात की जाए तो यहाँ से सेव है, आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसके रेजोल्यूशन की बात की जाए तो रेजोल्यूशन इसकी जो है 480p से लेके 720p है, और FPS की अगर बात की जाए तो 60 है, 60 जो है वो FPS पे आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पीछे चले जाएं तो ये था जी पहला ऐप जो था VN ऐप। और अगर आप अब मैं आपको दूसरे ऐप की तरफ ले चलूँ तो वो है काइन मास्टर। काइन मास्टर से तो आप सारे दोस्त जो है वाकिफ हैं, कभी ना कभी आपने जो है वो काइन मास्टर को इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। तो चलिए काइन मास्टर की तरफ चलते हैं।
आपको मैं कायम वास को जो बेसिक सा जो है इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, क्योंकि ये आपने ज़रूर से कभी ना कभी तो आपने इसे ज़रूर से इस्तेमाल किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है काफ़ी इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो दिखा देता हूँ। ये जो है वो आपने अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी बनाया हुआ है। ये होम है, इसमें जो ये टेम्पलेट्स हैं इसकी, अभी अब तो जो है काफ़ी ज़्यादा काइन मास्टर को मॉडर्न कर दिया गया। पहले ये चीज़ें नहीं थी, जब पहले पहले इसे जो ये आया था, तो अभी अगर इसके चीज़ों को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसे जो है वो अपग्रेड कर दिया गया। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं वीडियो, और अगर मैं आपको यहाँ से अब एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये मैंने एक आपके लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो आप जी दोस्तों। तो ये आप यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डर है, सॉन्ग्स हैं, आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इस नेक्स्ट पे आ जाए तो लेयर्स हैं, आप लेयर्स ऐड कर सकते हैं, मीडिया है, मीडिया में से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, और फिर आगे जो है ये मीडिया आ गया, लेयर्स आ गई, लेयर्स में स्टिकर हैं, टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है, और अगर आप देख सकें तो यहाँ पे जो एफएक्स है स्टिकर, अगर मैं आपको ऐड करो करके दिखाऊं तो ये है, ये एक पैक है, ये देख सकते हैं आप, ये आ गया। आप इसे रीसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, किसी भी जगह आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जो स्टिकर है, और ये भी जो है रेंज काफ़ी थोड़ी है, आप जो है उधर मैं आपको दिखाता हूँ, आप जो है वहाँ से जाके स्टोर में से तो इसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इन एनिमेशन है, आप इनमें से जो है ये देखें, आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट अप डाउन जो इसे चला सकते हैं वीडियो में, और फिर आगे जो है ओवरले एनिमेशन है, ये देख सकते हैं आप, ये आप इसके एनिमेशन किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, फ्लिप ट्रिम है। तो मैंने वैसे एक जो है पीछे बैकग्राउंड है जो है इस्तेमाल किया है, आप और भी जो है वो वीडियो ऐड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं, आप जो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें चीज़ें आपको मिलती हैं, जो कि आपको वीडियो एडिटिंग में आसानी करती हैं, और जो है ये रिकॉर्डर है, ऑडियो वीडियो है, ये स्टोर है इसका, जिससे आप जो है वो काफ़ी सारे स्टिकर्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टिकर्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये हैं स्टिकर्स, ये टेम्पलेट्स, इनमें से जो है जो जिस तरह की आपको चीज़ चाहिए वो आपको जो है काइन मास्टर जो है वो देगा। आप देख सकते हैं टेक्स्ट है, फॉन्ट्स हैं, जो आप चाहें वो आप इसमें से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये तो अगर अब हम आप चलते हैं अपने अगले ऐप की तरफ, तो वो है कैप कट। जी दोस्तों, तो अगर आपको ये कैप कट जो है वो लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो गया, ये आप देखते हैं, आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये अलाउ किया, तो इसमें आप कोई भी जो है वीडियो कुछ भी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको जो है ये जो है वीडियो मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, आपको ऐड करके दिखाता हूँ, कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो बता देता हूँ आपको। ये अभी जो है कंप्रेसिंग हो रही है, ये ऐड कर रहा है, तो अभी जो ये ऐड कर रहे तो मैं आपको जो आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ। जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ, ये जो है ये मोबाइल जो है काफ़ी स्लो है, मैं दूसरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें आपको उससे नहीं दिखाया, ये मैं दूसरे मोबाइल से दिखा रहा हूँ, मैं एडिटिंग जो है उसी से करता हूँ। ये जो है वैसे मैंने रखा हुआ है, तो ये आप इसमें जो है वो आपको जो फ्रेम रेट है वो काइन मास्टर वाला ही मिलता है, और वी एन वाला मिलता है, जो एक्सपोर्टिंग रेजोल्यूशन 120p है, और जो फ्रेम रेट है वो 60 60, ये चीज़ें वही हैं इसमें, लेकिन इसमें और ज़्यादा जो ये एडवांस चीज़ें, क्योंकि ये नया ऐप है, जो काइन मास्टर है वो थोड़ा सा पुराना है, वी एन भी जो है काफ़ी नया है। ये स्पीड आप नॉर्मल कर सकते हैं, आप कर्सन स्प्लिट कर सकते हैं वीडियो को, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, इन आउट जो भी आप चाहें, ये देखें, ये आप कर सकते हैं, ये है जो आप स्पीड नॉर्मल कर सकते हैं, आप जिस तरह की आप चाहें, जिस तरह की आप चाहें आप कर सकते हैं। ये हैं जी इनकी, काफ़ी स्पीड है, एनिमेशन है, स्टाइल है, और कट आउट है, आप कट कर सकते हैं जो आप चाहें इसमें, रिमूव बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, कस्टमर कस्टम कर सकते हैं, क्रोम की कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शन है वो आपको मिलेंगी, जिससे कि आप एडिट कर सकते हैं जी। इमोशन ब्लर है,
ग्राफ है, रिवर्स है, इससे आप जो है वीडियो रिवर्स कर सकते हैं। मैं भी रिवर्स नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको जो है बताया है। इसमें आप एक वीडियो को एडिट करते हैं और आप इसकी एक कॉपी निकाल सकते हैं, वॉइस इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो पीछे अगर आपके आगे पीछे जो नॉइस आ रहा है इसे आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शन है ओवरले अगर आप इसे ऐड करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर आप इससे भी अब इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने ऊपर ऐड कर दिया जी बस अब कोई नहीं कुछ नहीं हो सकता, नहीं, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जैसे कि आप पहली को ऐड कर रहे थे। ये देखिए एडिट हो रही है, और जो अगर मैं आपको इसकी और ज़्यादा फीचर्स की बात, ये देखें, ये क्लिक टू एनालाइज, और इसमें जो है वो आप टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। ये कैप कट है, ये जनरेट हो रहा है अभी, जल्दी 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 अभी आप इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये अब जनरेट फिर से करने लग पड़ा, ये एक टेम्पलेट बन गई है। अगर मैं अब इसको एक्सपोर्ट करता हूँ विदाउट वाटर मार्क, चले मैं आपको वाटर मार्क के साथ ही आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई है। तो ये छोटी सी वीडियो है, काफ़ी जो है जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस पर कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी जो करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, जो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, वो ये जो है वो इन्हें ऐड करने में जो एक्स जो एडिट करने से पहले जो ऐड करने में जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। और अगर जो आगे ऐप आने वाला वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग ऐप है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, वो जो है वो इन चीज़ों से जो इन ऐप से काफ़ी बेहतर है। तो ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, फिर चलते हैं हम जी नेक्स्ट ऐप की तरफ। ये देखें, ये जो अभी बनी है, तब टेम्पलेट्स बनी है, टेम्पलेट्स ऐड की थी। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इसमें जो है काफ़ी जो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है वो नहीं जो ऐड जो है वो हो सकती। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी वीडियोस लंबी हैं, आप जो है मूवीज़ अपलोड करते हैं, ये मूवीज़ को जो है वो आप एडिट करते हैं, या आपको किसी भी हवाले से आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं जो कि आधा घंटा घंटा जो है वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, बाद में आपको एडिट करने में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आज मैं आपको जो नंबर 4 वाला ऐप है ना वो है फिल्मोरा गो। फिल्मोरा एक्स जो है वो लैपटॉप पे चलता है, फिल्मोरा 11 वो लैपटॉप के लिए, लेकिन ये अभी उन्होंने ये लॉन्च कर दिया है मोबाइल फ़ोन के लिए भी, और मैं पर्सनली तौर के इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, नहीं मैं यूज़ करता हूँ लेकिन इसे मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है करता हूँ। तो मैं अगर आपको भी इसे यहाँ पर दिखा दूँ, इसमें आपको 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो भी जो है वो डालेंगे एडिट करने के लिए, तो ये कुछ 2-3 मिनट में जो है इससे भी कम जो है ये लेगा टाइम, और इसे ऐड भी कर देगा, और थोड़ा एक्सपोर्ट करने में जो है वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है क्वालिटी में उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं उससे में ये बाकी ऐप से काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है, बेहतर भी है। तो अभी मैं आपको इसके जो है फीचर्स के बारे में बताऊँ, तो ट्रिम है, ये तो आप नॉर्मल जानते होंगे, एनिमेशन है, इन आउट आपका मोड ये कर सकते हैं, ये अभी डाउनलोड होने वाली है, क्योंकि मैंने ये इस पर एडिटिंग नहीं करता, अपने दूसरे मोबाइल पर करता हूँ, तो जो है वो इस पर मैंने आपको फिर दिखाने के लिए जो इसे इस्तेमाल की है। इसमें आप वॉल्यूम जो है कर सकते हैं, 200 तक जो है वॉल्यूम आपको अप डाउन कर सकते हैं, आप इसमें ये आप क्रॉप कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जो कि पिछले ऐप में भी था, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्पीड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर सकते हैं जो, तो मास्क लगा सकते हैं, स्मार्ट कटअप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वीडियो को, तो रोटेट कर सकते हैं, फेड है, फ्रीज का ऑप्शन है, रिवर्स का ऑप्शन है, काफ़ी जो ऑप्शंस है वो मिलते हैं इन ऐप्स में, लेकिन जो कुछ ऐसे फीचर हैं जो इस ऐप को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। तो फिर आगे इसकी अगर बात की जाए तो इसमें प्रो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रो के लिए आपको फिर जो है परचेज करना पड़ेगा, जो कि आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है। और इसमें एक और अच्छी बात है जी, अगर ये आप प्रो ऐप इस्तेमाल करते हैं या नहीं है करते हैं, इसमें और कैपकट में ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है कि आप इसका जो है वो जो इसका ऊपर आता है ना कि नाम वीडियो के साथ, वो नहीं आता, वो आप इसे कट भी कर सकते हैं, रखना चाहे तो रख सकते हैं, ये इस दोनों की जो है काफ़ी अच्छी बात है। ये टेम्पलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है इसमें चीज़ें मिलती हैं,
काफ़ी ज़्यादा ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी आपको इसमें फैक्ट्स भी दिखाता हूँ, ये देखें। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये टेम्पलेट्स इस्तेमाल करके बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको 5 ऐप के बारे में बताया, तो ये काफ़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसमें एडिट करने की डिटेल में जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी शॉर्ट शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा इन 5 ऐप के बारे में, जो है वो काफ़ी अच्छी ये ऐप है। ये अगर मैं यहाँ से वीडियो ऐड करता हूँ तो ये वीडियो आ गई, ये नेक्स्ट आ गया, ये देखें इम्पोर्ट वीडियो। बहुत ही जल्दी आपने पिछली जो ऐप है उसका कैप कट का जो है वो इम्पोर्ट देखा था, और आप इसका इम्पोर्ट देख सकते हैं। ये देखें ये कितनी जल्दी जो है इम्पोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, ये बहुत बड़ी से बड़ी वीडियो को भी जो है बहुत जल्दी जो है कर देता है। ये देखें यूट्यूब है, सब्सक्राइब है, हर चीज़ इसमें मौजूद है। उनमें लिमिट है, अगर आप प्रीमियम उनमें खरीदते हैं, लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन फिल्मोरा का जो है ये काफ़ी अच्छा है कि आप जो है इससे चीज़ कोई भी चीज़ जो है वो ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फिल्मोरा में। तो आपने को मैंने ये दिखाया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें मौजूद हैं जो काफ़ी दूसरे वालों में मौजूद नहीं है। जी दोस्तों, तो अब हम चलते हैं 5वें ऐप की तरफ, जो है लाइट रूम। लाइट रूम मैंने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, कुछ वक्त पहले जो है मैं इसे इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैंने इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं ज़्यादातर फिल्मोरा और कैपकट को इस्तेमाल करूँगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऐप है। पहले मैं इसका जो है आपको सारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये शेयर्ड है, आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आपके यहाँ पे शो होगा, और ये है जी लर्न, आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं, फीचर्ड है, जो भी आप सीखना चाहें। डिस्कवर पे आते हैं तो ये आपके लिए जो है वो वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते, आप अपना भी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, तो आपको ये लाइक भी मिलेंगे, ये काफ़ी चीज़ें आप अपने टेम्पलेट्स जो है वो दे सकते हैं, फीचर्स हैं, न्यू है, फॉलोइंग है, रीमिक्स है, जो चाहे आप इसमें से दे सकते हैं। लाइब्रेरी है जो इसमें आप अपना ऐड करेंगे वो आएगा, यहाँ ये देख सकते हैं जी, आप अलाउ करते हैं, ऑन दिस टाइम करते हैं, जो ये कैमरा ओपन कर रहा है, जो आप ये डिलीटेड है, अगर आप डिलीट कर देते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इसे आप रिस्टोर कैसे करूँगा, परेशानी कोई बात नहीं, इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ, ये अगर मैं इसमें से आपको ऐड करके दिखाता हूँ तो ये एक चैलेंज यही मैं ले लेता हूँ, जो ये बॉक्स का है, पिक्चर है, ये ऐड ये देखें, ये काफ़ी टाइम लेता है, ये काफ़ी स्लो है, लेकिन इसमें भी जो है फिर हर ऐप का जो है वो अपने अपना तरीका होता है। स्किप करते हैं जी, इसमें वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं, ये मैंने अभी एक पिक्चर दी है आपको दिखाने के लिए बस, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन ये प्रीमियम है, आपने देखा है, इसमें फिल्मोरा में यही फ़र्क है, फिल्मोरा आपको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा जो है वो फ्री में ऑफर करता है, लेकिन ये देखें ये अभी भी ओपन करते जो है ये प्रीमियम आ गया, तो इसलिए इसको मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन वो ऐप जो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जी दोस्तों। तो यही थी आप आज की वीडियो, ये 5 ऐप थे, लेकिन अगली वीडियो में जो है मैं आपको इनका कुछ सब ऐप की थोड़ी थोड़ी जो है वो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अल्लाह हाफिज़।